रूस ने कई बार यह दावा किया है कि वो मारियोपोल जीत चुका है। मॉस्को में मारियोपोल पर जीत का जश्न तक मनाया गया, मगर इस दावे को बार बार यूक्रेन ने खारिज कर दिया। यूक्रेन की तरफ से कहा गया कि मारियोपोल एक अभेद्य दुर्ग है जिसे अब तक रूसी फोर्स भेद नहीं पाई है। वहीं मारियोपोल में अजोवस्टाल प्लांट भी है, जहां यूक्रेन के लिए लड़ने वाली अजोव रेजिमेंट ने मोर्चा संभाल रखा है। अजोव बटालियन ने आखिरी सांस तक रूस से जंग लड़ने की हुंकार भरी है। रूस यूक्रेन युद्ध के सबसे विस्फोटक फ्रंट पर क्या क्या हो रहा है, देखिए इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। मारियोपोल यही शहर है जिसने सबसे ज्यादा रूसी हमला झेला। यही शहर है जहां नवजात बच्चों के अस्पताल पर मिसाइल फटी। यही मारियोपोल है जिसका जर्रा जर्रा बारूदी धमाके से छलनी है। इस बर्बाद शहर की एक बात जो सबसे अलग है कि यहां अब तक रूस जीत नहीं सका है। इतने भीषण हमले झेलने वाले मारियोपोल में महायुद्ध जारी है। रूस का ताबड़तोड़ प्रहार जारी है, मगर मारियोपोल का किला पुतिन सेना भेद नहीं पा रही। इस फ्रंट पर यूक्रेन फोर्स से ज्यादा रूस के अजोव बटालियन ने टक्कर दे रखी है। अजोस्टल स्टील प्लांट रूस के खिलाफ युद्ध का सबसे मजबूत दीवार बना, तो इसके पीछे भी अजो बटालियन ही है। अजो लड़ाके अब भी मैदान में डटे रूस पर बराबर पलटवार कर रहे हैं। अजो फाइटर ने चेचन लड़ाकों को भी कई बार पटखनी दे दी है। अजो रेजिमेंट के डेप्यूटी कमांडर कैप्टन सियावातोस्लाव बालमार ने तब तक युद्ध लड़ने का ऐलान किया है जब तक रूस को मार भगा नहीं दिया जाता, मगर आजो रेजिमेंट को रूसी हमले में भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। अजोस्टल प्लांट में रेजिमेंट के 200 सैनिक घायल हो चुके हैं, जिन्हें किसी भी कीमत पर प्लांट में छोड़ने को बटालियन तैयार नहीं। कट्टर राष्ट्रवादी माने जाने वाले अजो फाइटर कौन है ये भी जान, जिन्होंने रूस को युद्ध में ऐसा उलझाया कि मारियोपोल अभेद्य बन गया। अजो यूक्रेन की एक प्राइवेट आर्मी है जिसमें करीब 900 से 1000 लड़ाके, इन्हें अति राष्ट्रवादी और नाजी समर्थक बताया जाता है। साल 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे के बाद अजो आर्मी बनी। क्रीमिया युद्ध में अजो फाइटर ने यूक्रेन का साथ दिया था। डोनेस पर रूस के कब्जे से पहले अजो ब्रिगेड ने मोर्चा लिया था। अजो आर्मी की तरह दुनिया भर से जुटे 16,000 फाइटर यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। रूस ने इन लड़ाकों की जानकारी दुनिया से साझा की है। रूस के मुताबिक यूक्रेन भाड़े के फाइटर के साथ युद्ध लड़ रहा है। हालांकि रूसी दावे को यूक्रेन ने खारिज किया। मगर जिन फ्रंट पर यूक्रेन और रूस की सीधी टक्कर है, वहां हालात बेहद भयावह है। ओडेसा ऐसा ही एक बारूदी बैटल ग्राउंड है, जहां रूस के मिसाइलों की आंधी थमने का नाम नहीं ले रही है। रूसी मिसाइल अटैक में तबाह हो चुके ओडेसा में TV9 भारतवर्ष रिपोर्टर विवेक वाजपेयी मौजूद है। काला सागर के किनारे बसे इस शहर को रूस ने खंडहर बना डाला है। TV9 भारतवर्ष की टीम ओडेसा शहर में है, और उस ओडेसा शहर में जो रूस के टारगेट पर अब नंबर वन पे है। पूरी रात इस शहर में सायरन बजते रहे, रूस के हमले को लेकर अलर्ट जारी होता रहा, और खबर है कि कई अलग अलग इलाकों में रूस ने रात में हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल से अटैक किया है। जिन टारगेट को हिट किया है रूस की मिसाइलों ने, वो तो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो ही गए हैं, लेकिन जहां
तक असर उसका कहां तक पहुंचा है वो मैं आपको दिखाता हूं। उड़ीसा के जिस होटल में, होटल ब्रिस्टल में हम लोग ठहरे हुए हैं, और उसमें आप देखिए कि कैसे उसको नुकसान पहुंचा है, डैमेज हुआ है। वहाँ पे जो पत्थर हैं वो चटक गए हैं, टूट गए हैं, और उनके नीचे गिरने का खतरा है। ओडेसा में TV9 भारतवर्ष रिपोर्टर जिस होटल में ठहरे हैं वहाँ आसपास रूसी मिसाइलों के धमाके हो चुके हैं। शहर में देर सवेर सायरन की आवाज सुनाई देने लगती है। ओडेसा में सड़क पर निकलना खतरे से खाली नहीं है। यूक्रेन सेना की बख्तरबंद गाड़ियां किस तरह ओडेसा में निकलती हैं, उसे TV9 भारतवर्ष रिपोर्टर विवेक वाजपेयी ने कैमरे में कैप्चर किया। इस जगह जा रहे हैं अभी, वहाँ पे गाड़ियां भी ऐसी चलती हैं, पूरी ढकी हुई है, और वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे डाउट है कि रूस सैटेलाइट से ड्रोन से नज़र रख रहा है, और जो भी उसको मिलिट्री की गाड़ी नज़र आती है उसको उस पर हिट कर देता है। तो ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं इसको कैसे कवर किया हुआ है पूरी तरीके से, और इसको ही फिर चलाया जाता है। चेक पोस्ट है पूरा, यहाँ पे इन्होंने चेक पोस्ट बनाया हुआ है, सख्त पहरा है यहाँ पर यूक्रेन की आर्मी का, और बहुत सेंसिटिव इलाका है ये। जहाँ कदम कदम पर मौत से सामना है, जहाँ बम बारूद के बीच से गुजरना है, उस वॉर जोन से आपको सटी सच्ची जानकारी मिल रही है। यकीन जानिए, यूक्रेन का यह हिस्सा सबसे विस्फोटक युद्ध का गवाह है। काला सागर में मौजूद पुतिन नेवी यहाँ बेहद आक्रामक है, मगर यूक्रेन के जोरदार पलटवार से जंग जल्द खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे। यूक्रेन के ओडेसा सिटी से विवेक वाजपेयी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।